हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर जो शॉर्ट राइडर है उसके लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि देखा जाता है तो सब चीज़ अपने कंट्रोल में होती है, लेकिन जो हाइट है वो अपने कंट्रोल में नहीं होती है, वो जो मिलती है उसी पे अपन डिपेंड रहते हैं। तो जो हाइट के ऊपर मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप बाइक की हाइट थोड़ी नीचे कर दें 1 से 1.5 इंच तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप देखा जाए कि आपकी हाइट अगर 5.3 है तो आपके लिए वो 5.5 के बराबर लगी है, अब उसको समझ सकते हैं। तो देखा जाता है तो हाइट क्या मायने रखती है आपको मैं बता दूँ। जब आप ग्राउंड पर पूरे पाँव रखते हैं तो पूरी ग्रिप बनती है, ट्रैफिक में ये काफ़ी काम आता है। गाड़ी हर कोई राइड कर सकता है, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग के लिए हाइट मैटर करती है, जो कि पाँव नीचे पूरे जाएंगे। टो अगर टच होगा तो गाड़ी में ग्रिप नहीं बनेगा, ना ही वो आगे पीछे कर पाएगा। अगर पंजा भी टिक जाएगा तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो थोड़ी हेल्प मेरी तरफ से, मैं आपको बता दूँ कि क्या कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो इस वीडियो का जो लाइक है 100 लाइक में बता रहा हूँ, 100 लाइक होना चाहिए तो बेनिफिट रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी। तो मैं आपको दिखा दूँ कि क्या चीज़ होती है, मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ, और क्या चीज़ है वो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ कि जो गाड़ी का जो मोनोशॉक है ये कैसा है। मैंने आपको पहले बताया था लिंक है, तो ये किस प्रकार से काम करता है आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो देख रहे हो है इसको बोलते हैं लोअर रिंग। अब ये जो होती है ये डिपेंड करती है आपकी बाइक के नीचे दबने पर, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा, ये पतला सा होगा, आप देख पा रहे हो दो लगे हुए हैं। ये मैं इसके लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसकी जो साइज़ है इससे वो बड़ी साइज़ आने वाली है, जिससे क्या होगा कि ये और बड़ा हो जाएगा, जिससे ये पूरी गाड़ी दब सकती है। मैंने काफ़ी देखा है, देखने के बाद वीडियो भी देखे हैं मैंने काफ़ी, R15 पे बताया गया है। तो मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और इसको आप 1 से 1.5 इंच नीचे दबा सकते हो इनको बदल कर। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इनको अच्छे से कसे, वापस अच्छे से कसिएगा, वरना निकल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी गाड़ी में। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी मायने रखती थी, मैंने आपको बताया। थोड़ा समझिए इसको और इन चीज़ों को लेकर आप चलिए। तो ये लिंक सस्पेंशन आप बदल के आपकी इस गाड़ी की जो हाइट है वो आप कम कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये रहेगा कि जो ग्राउंड क्लियरेंस ये भी कम हो जाएगा, इतना सा कम होगा। आपकी हाइट जो है ना इतनी में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम हो जाएगा आपकी गाड़ी का, और लेकिन आपकी हाइट में इतना फ़र्क आ जाएगा, तो ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा। मेरी तरफ से शॉर्ट राइडर के लिए स्पेशल वीडियो था, जो कि आप चाहो तो करवा सकते हो। अगर ये वीडियो वायरल हुआ तो मैं इसको ला के दिखाऊँगा, लगा के दिखाऊँगा इस चीज़ को। धन्यवाद।